रेलवे ने किया कमाल, 295 डब्बों को जोड़कर चलाई सबसे लंबी ट्रेन। 295 लोडेड डब्बों वाली मालगाड़ी चलाकर बनाया एक बड़ा रिकॉर्ड। 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी जब दौड़ी पटरी पर तो लोग देखते ही रह गए। रेलवे की पटरियों पर जब 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी दौड़ी तो देखने वाले देखते ही रह गए। एक एक कर 295 मालगाड़ी के डब्बे को एक साथ दौड़ता देखना सच में लोगों के लिए अद्भुत था। भारतीय रेल ने अपने इसी अद्भुत कारनामे की वजह से एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। सुपर वासुकी नाम से जाने जाने वाली ये मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें 295 लोडेड वैगन को लगाया गया था। इसका भार 27,000 टन था। इससे पहले जून महीने में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने वास्तुकी और त्रिशूल नामक ट्रेनों का संचालन किया था और वो भी एक बड़ा रिकॉर्ड था। भारतीय रेलवे के साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 295 लोडेड डिब्बों वाली मालगाड़ी चलाकर रिकॉर्ड बना दिया है। ये 15 अगस्त को सरकार के अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के तहत चलाई जाने वाली सबसे लंबी और सबसे भारी मालगाड़ी है। अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन के रूप में रेलवे ने 5 लोडेड ट्रेन को एक साथ जोड़ा। सुपर वासुकी नाम से जाने जाने वाली ये मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें 295 लोडेड वैगन को लगाया गया था। इसका भार 27,000 टन था। इससे पहले जून महीने में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने वास्तुकी और त्रिशूल नामक ट्रेनों का संचालन किया था और वो भी एक रिकॉर्ड था। बता दें कि भारत ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर केंद्र सरकार लंबे समय से आजादी का अमृत महोत्सव नामक अभियान चला रही थी। इसके तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देश भर में कई रेलवे स्टेशनों को भी लाइटिंग से सजाया गया और तिरंगा लगाया गया। वहीं हाल ही में पूर्वोत्तर रेलवे ने एक ट्रेन के एसी डिब्बे की खिड़कियों पर देश के महापुरुषों की तस्वीरें लगाई थी, ताकि इस ट्रेन में सवार होने वाले यात्रियों के साथ साथ स्टेशन पर मौजूद लोगों के बीच भी महापुरुषों की वीर गाथाएं पहुंच सके और लोग देश की आजादी की लड़ाई में शामिल महान सपूतों को याद कर सके। आजादी के अमृत महोत्सव से लोगों को जोड़ने और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखधाम एक्सप्रेस के एक वातानुकूलित डिब्बे की खिड़कियों पर महापुरुषों के चित्र लगाए थे। इसके साथ ही देश भर के रेलवे स्टेशन रंग बिरंगी रोशनियों से सराबोर हो रहे थे। आजादी का अमृत महोत्सव अभियान में भारतीय रेल ने एक नई गाथा लिख डाली और बता दिया कि ये देश का सबसे बड़ा उपक्रम ही नहीं बल्कि लोगों की लाइफ लाइन भी है। न्यूज़ लाइव डेस्क पटना।